ज्यादातर लेडीज की यही थॉट होती है कि मैं ये कर ही नहीं सकती हूँ, हाँ। इसलिए वो पीछे रह जाती है। नारी सब कुछ कर सकती है, वो जो चाहे वो कर सकती है, तो उनको करना चाहिए। लोग कहते हैं यार एनजीओ क्यों नहीं कुछ कर रहा है, एनजीओ क्यों नहीं कुछ कर रहा है, तो एनजीओ के चैलेंजेस क्या है? अगर करना चाहे एनजीओ तो सब कुछ कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहे तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। सोशल मीडिया आज की डेट में सबसे बड़ा हथियार भी है और सबसे बड़ा मीडिया भी है, कैसे सोशल मीडिया को हम यूज कर सकते हैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए? अभी आपने देखा होगा दिल्ली की बड़ा पाव गर्ल का कितना हाँ। ज्यादा आ रहा है ना, वो बहुत सिंपल सी गर्ल थी एक जो रेडी लगाती थी, और अब देखो वो क्या बन गई है, उसने अपनी शॉप भी खोली है, उसके सॉन्ग्स भी आ गए हैं सबका, उसके पॉडकास्ट भी आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है। तो वो ये कि सोशल मीडिया ही है उसने उसको इतना बनाया। वो जेंट्स ही क्या है जो एक नारी की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, और अगर रिस्पेक्ट कर भी नहीं सकता तो उसको दे नहीं सकता, तो कम से कम उसको बदनाम मत करो। ये अक्सर मैं जब दिल्ली पे ड्राइव करता हूँ, नोएडा में भी ड्राइव करता हूँ, तो मैं हमेशा एक चीज नोटिस करता हूँ, जो रेड लाइट्स हैं वहाँ पे बच्चे या तो फ्लावर लेके बैठे होते हैं, पेन लेके बैठे होते हैं, या भीखी मांग रहे होते हैं, या आपके पास आगे खड़े हो जाएंगे कि यार मुझे एक पराठा खिला दीजिए अंकल जी, मुझे एक आइसक्रीम दिला दीजिए अंकल जी। इतने सारे एनजीओ, अगर मैं गिनने पे जाऊंगा तो शायद लाखों में एनजीओ हैं इंडिया में, ये सब मिलकर इस मुद्दे पे काम क्यों नहीं करते? व्हाट आर मोर इश्यूज, और कौन कौन से इश्यूज हैं जो फीमेल के साथ हो रहे हैं और उन पे भी ध्यान देना जरूरी है? भगवान का नाम भी से पहले भी नारी का नाम लिया जाए, देखा जाए तो राम जी का नाम लेते हैं तो हम सीता का नाम पहले लेते हैं, सीता राम लिखते हैं, कृष्ण जी का नाम लेते हैं तो राधा जी के बिना तो राधा कृष्ण लेते हैं, तो हर जगह भगवान का नाम भी बोलते हैं, नारी का नाम पहले आता है। आपको गोल्डन हार्ट कहा जाता है इस समाज सेवा में, एनजीओ के वर्ल्ड में, मतलब क्यों कहा जाता है ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि गोल्डन हार्ट क्या है? आप आज से 5 साल बाद वुमेन सेफ्टी और एम्पावरमेंट को किस जगह देखते हो? नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका बुक्स एंड थ्योरीज पॉडकास्ट में, या हम बात करते हैं बुक्स की और थ्योरीज की। नारी या फीमेल ये हमारे सृष्टि की रचना करता है, इनके बिना सृष्टि अधूरी है, और आज की पूरी थ्योरी ना हमारी नारी के ऊपर, फीमेल के ऊपर है, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर है। हमारे साथ है प्रीति जी, जो कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए बहुत कुछ कर रही हैं। तो मैंने सोचा यार क्यों नहीं कि जब हम थ्योरीज की बात करते हैं तो वुमेन तो अपने आप में ही पूरी थ्योरी, तो इस थ्योरी को टटोलते हैं, प्रीति से और डिटेल में बात करते हैं कि क्या वो कर रही है नारी सशक्तिकरण के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। तो ये बात करते हैं प्रीति से। प्रीति, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इस शो पर आए, क्योंकि हम यहाँ बात करने वाले हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, वुमेन सशक्तिकरण की, और आपने बहुत कुछ काम किया है, पहले 10 साल से आप इस फील्ड में काम कर रही हैं, विभिन्न एनजीओ के साथ काम कर रही हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो बुक्स एंड थ्योरीज पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो प्रीति, जो आप नारी सशक्तिकरण के लिए काम कर रही हैं या वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर रही हैं, तो उसमें एक्चुअली क्या कर रही हैं, क्या मोटो है आपका करने का, किस पर्पज से कर रहे हो आप, या सोच कैसे आई दिमाग में? एक्चुअली मैंने बहुत केस ऐसे देखे, मतलब लेडीज की, मतलब मैं जब न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ या फिर न्यूज़ चैनल देखती रहती हूँ कि किसी ने ऐसे सुसाइड कर लिया, या उनके साथ किसी के साथ दहेज को लेके ये हो गया, मतलब उनको देख के ऐसे लगता था कि लेडीज ऐसे ही मर रही हैं, मतलब कोई उनको देख नहीं रहा या उनके साथ ये सब ऐसा क्यों हो रहा है। तो मुझे ऐसे लगा कि हम लेडीज़ को जो ये कुछ कर सकती हैं तो उनको ये करना चाहिए। तो मैं कुछ एनजीओ के साथ जुड़ी, जैसे जिन लेडीज़ के पास पैसे नहीं होते, तो मुझे लगा कि अगर हम उनकी किसी भी काम करने में या किसी तरह से हेल्प कर सकते हैं तो कम से कम उनकी सोच बदलेगी और वो ऐसा कोई स्टेप नहीं उठाएंगी। तो फिर मैं उनके साथ जुड़ी, और मतलब हम लेडीज़ को शिक्षा भी देते हैं, उनको जॉब भी देते हैं कि अगर वो किसी जिस फील्ड में जाना चाहती है तो वो करे, मतलब इससे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तो हम उनकी हेल्प कर रहे हैं और कहीं ना कहीं तो ये चीज़ कम होगी ना। हेल्प से ज़्यादा ना हमें ज़रूरत है उनको अपने पैरों पे खड़ा करने की। वो तो है ये कि अगर वो अपने पैरों पे खड़ी होंगी तो हम अपने समाज को देखा जाए तो पहले जो टाइम था उस टाइम देखा जाए तो नारी की पूजा होती थी, चाहे वो माँ दुर्गा है, माँ काली है, लेकिन अब नारी को मतलब किसी और तरीके से देखा जाता है, मतलब उनको लगता है उनका शोषण भी बहुत हो रहा है अब देखा जाए, उनके साथ छेड़छाड़ बहुत होती है और लेडीज चुप कर जाती हैं, उनको ये लगता है अपनी फैमिली को देख के कहीं ना कहीं कि मतलब हमारी फैमिली का नाम बदनाम होगा या कुछ होगा, अगर उनके साथ कुछ गलत भी होता है तो वो आगे बताती नहीं है या कुछ करती नहीं है, इस वजह से वो पीछे जा रही हैं। पर ये भी तो फैक्ट है ना कि मतलब ऐसा नहीं है कि 100% फीमेल्स उस कैटेगरी में आती हैं, मतलब मैं कहता हूँ कि उसमें भी एक डिवीजन है, वो ऐसी फीमेल्स भी हैं जो बहुत मॉडर्न है, अपनी पावर्स को जानती हैं और उस हिसाब से अपने आप को हैंडल करना जानती है सिचुएशन को,
वो एक ऐसा तबका है जो आप जैसे कह रहे हो कि चुप रह जाती हैं, वो कैटेगरी भी है, और एक ऐसी कैटेगरी भी है जो अपनी कोई पावर जानती ही नहीं। तो और इसमें थोड़ा और मैं एक्सटेंड करना चाहूँगा, इस मेरी बात इसलिए भी गलत साबित होती है कि अभी रिसेंटली स्वाति मालीवाल जी का केस देखा, वो तो खुद ही वुमेन क्या बोलते हैं उस डिपार्टमेंट को, मैं नाम भूल रहा हूँ, उस डिपार्टमेंट की हेड रही हैं जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करता है, वुमेन सशक्तिकरण के लिए काम करता है, फिर उनके साथ ही वो चीज़ होगी। तो फिर तो कहने को तो सारे न्यूज़ चैनल्स भी कहते हैं, सब कहेंगे क्या नारी तो फीमेल तो कहीं भी सुरक्षित नहीं, तो आपका क्या व्यू पॉइंट है, आपको लगता है कहीं भी सुरक्षित नहीं है या नहीं कोई प्रॉब्लम तो है या कहीं तो कोई डॉट पॉइंट है जो कहता है कि सुरक्षित नहीं? हम ये नहीं कह सकते कि वो कहीं भी सुरक्षित नहीं है, लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं ऐसे, मतलब राइट्स तो जैसे हमने देखा जाए तो गवर्नमेंट ने उनको आजकल लेडीज़ को बहुत राइट्स दिए हुए हैं अपनी मर्जी से शादी करने का, उनको शिक्षा के लिए सब कुछ दिया है अब, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो मतलब लो कास्ट के लोग लगा लो या जो लगा लो, वो उनको पढ़ाना नहीं चाहते या उनको वो शिक्षा नहीं दे पाते हैं कि वो मतलब उनको समझ आए कि क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि अब तो गवर्नमेंट ने आपका ट्रिपल तलाक भी हटा दिया, हाँ, तो काफी चीजें हैं जो सही हो रही सही हो रही हैं, लेकिन वही है कि वही नॉलेज का हम लगा लीजिए जो भी है, अभी तक वो नॉलेज नहीं पहुंच रही है। हाँ जी, हाँ। लोग के पास। अच्छा, आपने क्या पढ़ाई वगैरह करी हुई है, व्हाट इज योर एजुकेशन बैकग्राउंड? मैंने मास्टर्स इन कॉमर्स की हुई है और मास्टर्स इन फैशन डिजाइन। तो आपने इतना कुछ किया हुआ है, देन अचानक से ये नारी शक्तिकरण में घुसने का एनजीओ एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ, मैं एक स्टोरी ही छोटी सी बताती हूँ आपको। मेरी एक फ्रेंड थी, मतलब मैं उसको बहुत सालों से जानती थी, जैसे मतलब उसकी मैरिज हुई हुई थी, तो उसके साथ ऐसा कुछ हुआ, छेड़छाड़ लगा लो आप कुछ भी लगा लो, तो मतलब वो एक बहुत मॉडर्न सोच रखती थी और उसको ये लगता था कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ मतलब, लेकिन उसके साथ जो हुआ तो वो एकदम से डिप्रेशन में चली गई। मैंने उसको खुद देखा कि इसको क्या हो गया, मतलब पहले क्वेश्चन पूछे थे कि वही फैमिली के लिए या उसने नहीं बताया या फिर कि मेरे बच्चों पे क्या असर होगा इस चीज़ का या जो भी लगा लो आप, तो उसने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन वो डिप्रेशन में जा रही थी कि वो यहाँ तक उसकी कंडीशन हो गई थी कि वो सुसाइड कर लेती। मैंने उसको देखा तो जब उससे पूछा तो वही चीज़ कि मैं बता किसी को सकती नहीं, अगर मैं बताऊंगी तो मेरे बच्चों का क्या होगा या मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ देंगे या जो भी, और अगर नहीं बताऊंगी तो मैं अंदर ही अंदर मर रही हूँ। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं थी और लास्ट टाइम उसने सुसाइड ही कर लिया। तो मुझे उसको देख के ऐसे लगा कि इसको मैं जानती थी तो इसके साथ ये हुआ है, तो कितनी लेडीज होंगी, मतलब हम डेली देखते हैं कि कितने केसेस आते हैं ऐसे, तो कितनी लेडीज होगी जिनके साथ ये सब होता होगा और वो लास्ट में आके डिप्रेशन में जाके अपने साथ नहीं देते, वो यही करती हैं। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं अगर हम इनके लिए कुछ कर सकते तो जरूर करें, तो मुझे ऐसा लगा। डिप्रेशन भी एंजाइटी आजकल एक ऐसा कॉमन वर्ड हो गया, हर किसी के साथ हो जाता है। तो आप जो काम कर रहे हैं उसमें इस डिप्रेशन को रिमूव, क्योंकि फीमेल्स में आप बिल्कुल सही कह रहे हो, एक ना जो फीमेल्स वर्किंग नहीं है उनके पास वो एक्चुअली अभी जैसे मैं अपना सर्कल ही लगाऊं या लगाऊं जैसे जो भी है, तो उसमें क्या है कि बच्चे चले जाते हैं बाहर हॉस्टल में एक टाइम के बाद, या वो अपना काम जो भी है, हस्बैंड्स तो अपना वो करते हैं, तो एक टाइम के बाद लेडीज बिल्कुल फ्री हो जाती हैं अपने घर में, जो जो जॉब नहीं करती हैं या कुछ भी नहीं करती हैं, तो उनको कुछ भी नहीं करती तो मैं नहीं, नहीं, नहीं हाउस होल्ड काम करती हैं। हाँ जी, तो मतलब फिर भी हाँ वो तो है कि वो काम तो चलो कोई भी नहीं कर सकता, कहना कि उनको तो एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिलती है देखा जाए तो लेकिन फिर भी उनके दिमाग में सुबह से ये शुरू होना चाहता है कि मैं सारा दिन क्या करूंगी। एक होता है कि हाउस होल्ड काम भी होते हैं कि एक टाइम के बाद वो खत्म हो जाते हैं, उसके बाद कि मैं क्या करूंगी, क्या क्या करना है मुझे, और वही सोचते सोचते वो डिप्रेशन में चली जाती है। तो आप लोग इस डिप्रेशन से उनको बाहर निकालने के लिए भी कुछ काम करते हैं? ये अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है डिप्रेशन आज के लिए। ये तो है ही है, तो मलके हमने कई बार सोचा था कि हम क्लासेस लगाते हैं या उनको कुछ सिखाते हैं कि हाँ काउंसलिंग वगैरह करते हैं कि हाँ आप क्या करना चाहते हो या क्या, जैसे हम उनकी मदद कर सकते हैं हम उनकी वैसे मदद करें। तो एक दो बार हमने किया भी है ऐसा, कैंप वगैरह लगाए हैं जिससे उनको बहुत फर्क भी पड़ता है कि उनको लगता है कि हम कुछ कर सकते हैं या फिर थोड़ा वो उस साइड जाना चाहते हैं कि घर से अलग कुछ तो हम करें, अगर थोड़ा टाइम भी दे सकते हैं तो वो दे। हो सकता है कि आप लोगों को कर रहे हो, पर मैं हमेशा ये बात सोचता हूँ कि हम जब वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, हम कहते हैं कि वुमेन डिप्रेशन में चली गई, हम उनके लिए कैंप लगा लिए, हम उनको काउंसलिंग सेशंस दे रहे हैं, मुझे कभी कभी लगता है कि ना ये काउंसलिंग सेशंस ना वुमेन से ज़्यादा उनके हस्बैंड्स को देने की ज़रूरत है, क्योंकि
जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मतलब आई एम वेरी फ्रेंडली हस्बैंड, आप मुझे देखोगे मैं अपने घर के सारे काम करता हूँ, मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ, मैं कपड़े धो सकता हूँ, मैं झाड़ू लगा सकता हूँ, मैं पोछा लगा सकता हूँ, मैं बर्तन धो सकता हूँ, मैं अपने दोनों बच्चों को संभाल सकता हूँ, तो जो काम मेरी वाइफ कर सकती है मैं वो सारे काम कर सकता हूँ। इसमें आप कह सकते हो मेरी वाइफ ने बहुत अच्छा ट्रेन किया मुझे। सही। पर मतलब मेरा सोचना है कि ये कहीं मुझे बचपन से काउंसलिंग मिली थी, मेरे पेरेंट्स से मुझे बचपन से ऐसा बोला गया था कि नहीं, हस्बैंड एंड वाइफ आर नॉट डिफरेंट, यू बोथ आर सेम, और सबको मिलके घर चलाना होता है। वो काउंसलिंग एक बचपन से थी दिमाग में, इसलिए शायद मैं अभी भी करता हूँ। ऐसा नहीं कि मेरी वाइफ मुझसे कह रही हूँ ये करो, पर एक मन एक माइंडसेट ऐसा है कि मैं कर रहा हूँ। तो आपको नहीं लगता कि ये काउंसलिंग सेशंस हस्बैंड्स के लिए भी उतनी जरूरी है या यंग एज से स्कूल लेवल से लड़कों के दिमाग में बात आनी चाहिए? नहीं, ये स्कूल लेवल से ही बच्चों को, मतलब मैं तो कहती हूँ कि स्टार्टिंग से ही हमें अपने बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि मतलब उनको हर काम करने सिखाना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि उनको कब किस काम की जरूरत पड़े। तो उन्हें बचपन से ही हमें ये सिखाना चाहिए कि आपको चाहे वो खाना बनाना हो, चाहे वो सफाई करनी हो, मतलब आप जो कर रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन आपको ये काम करने चाहिए आगे जाके। चलो शायद बच्चों को जरूरत ना पड़े इन चीज की, लेकिन जब जरूरत पड़े तो वो कर तो सकते हैं ये चीजें। तो मुझे लगता है कि नहीं, हमें सिखाना चाहिए, सिखाना चाहिए, मैं भी सोचता हूँ सिखाना चाहिए। दूसरी चीज ना, जनरली मतलब एक ब्रांड क्वेश्चन पूछूंगा, लोग जब एनजीओ खोलते हैं या एनजीओ में काम करने लगते हैं या अचानक से सफाई अभियान में झाड़ू लगाने लगते हैं, तो एक एक मोटो होता है मैक्सिमम लोगों के पीछे, एक मोटो होता है कि भाई राजनीति में उतरना है। वो एक्चुअली उनका ये मोटो भी होता है राजनीति में उतरना, उनका ये भी होता है कि उन्होंने सिर्फ एक पिक्स खिंचवाने के लिए या फिर सोशल मीडिया में दिखाने के लिए वो ये सब करते हैं। आपका मोटो क्या है? नहीं नहीं, मतलब मुझे आप नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली मुझे लगता है कि 10 ईयर्स हो गए हैं मुझे इस सब काम करते हुए, और मैं आज तक कभी किसी मतलब किसी फंक्शन में भी नहीं गई हूँ। अच्छा, मतलब आप ट्रू सोशल वर्कर हो। तो आप जिन एनजीओ के साथ काम कर रहे हो उनका मिशन और विजन क्या है? एक तो मतलब उनका सबसे बड़ा विजन मतलब यही है कि उन्होंने नारी को, नारी अपनी शिक्षा ले, मतलब कहीं ना कहीं ये होता है कि जैसे कई बच्चे होते हैं जो गरीब बच्चे ही लगा लो आप, वो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं होते, या जो भी लगा लो कोई डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, तो वो स्टडी नहीं मिलती। हमारा एक एनजीओ है मेरे आसमान के नाम से, तो उसमें क्या किया जाता है कि जो बच्चे मतलब जेई मेंस के पेपर में निकल जाते हैं, नीट के पेपर में निकल जाते हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल्स में काम करके इन चीज़ों में निकल जाते हैं, तो उनको स्पेशल कोचिंग दी जाती है हमारे फ्री। तो उनमें से बहुत सारे बच्चे हैं जो डॉक्टर्स बनते हैं, जो इंजीनियर बनते हैं, जो शायद वो अपने आप बन ही नहीं सकते थे। और ये वही मतलब लोग हैं जो शायद किसी दुकान पर आप लगाओ काम करते, या फिर जितना वो स्टडी करते वो उसी हिसाब से करते। तो एनजीओ की हेल्प से कहीं ना कहीं तो उनका भविष्य लगा लो आपकी सुधर ही रहा है। देखिए बताइए, मैं ये अक्सर मैं जब दिल्ली पे ड्राइव करता हूँ, नोएडा में भी ड्राइव करता हूँ, तो मैं हमेशा एक चीज नोटिस करता हूँ, जो रेड लाइट्स हैं वहाँ पे बच्चे या तो फ्लावर लेके पेन लेके बैठे होते हैं या भीख मांग रहे होते हैं, या आपके पास आगे खड़े हो जाएंगे कि यार मुझे एक पराठा खिला दीजिए अंकल जी, मुझे एक आइसक्रीम दिला दीजिए अंकल जी। इतने सारे एनजीओ, अगर मैं गिनने पे जाऊंगा तो शायद लाखों में एनजीओ है इंडिया में, ये सब मिलकर इस मुद्दे पे काम क्यों नहीं करते? अगर मैं दिल्ली एनसीआर की बात करूं, दिल्ली में सारे नेता रहते हैं, हर नेता उसी रेड लाइट से गुजरता है, वो बच्चे फूल देने वाले या वो पेन लेके उनको देने वाले, वो बच्चे उस रेड लाइट पे शायद वो नेता को भी देते हों या वो नेता की फैमिली वालों को भी देते हों, पर ये एक्शन आज तक कोई क्यों नहीं लेता? एक्चुअली मैंने ये भी देखा है कि कई बार हम लोग करना भी चाहते हैं तो, लेकिन सामने वाला कर मतलब ये चीज़ करना नहीं चाहता। जो बच्चे हैं कई बार हम उनको पूछते हैं जाते हुए कि हाँ आप लोग बेटा ये काम क्यों कर रहे हो, आप पढ़ना नहीं चाहते या आप कुछ नहीं करना चाहते, तो उनके पास कोई आंसर ही नहीं होता क्योंकि वो करना ही नहीं चाहते। कुछ बच्चे होते हैं कि वो पढ़ना ही नहीं चाहते, वो सिर्फ यही काम करना चाहते हैं। नहीं, हो सकता उनके पीछे कुछ प्रेशर हो उनके पेरेंट्स का। एक स्टोरी सुनाता हूँ मैं, ये बात होगी आज से 15 साल पहले की बात, मैं दिल्ली से देहरादून जा रहा था, तो मैं रास्ते में एक ढाबे पे खाना खाने रुका तो मुझे वहाँ एक बच्चा मिला, मैंने अपने फेसबुक पर भी शेयर किया था, वो कुछ खिलौने से बेच रहा था मिट्टी की, और शायद एक छोटा सा बच्चा भी था, वो साइड में बैठा हुआ था उसको। तो जब मैं पराठे वराठे खा के बाहर निकला तो मुझे बेचने लगा, तो मैं उससे बात करने लगा, मैंने कहा बेटा क्या तुम ये अभी आज तुम सोमवार का दिन है तुम यहाँ बैठे हो, स्कूल नहीं जाना? क्या लगा? नहीं अंकल मैं स्कूल नहीं जाता, मेरा भाई जाता है। मैं कहा तुम्हारा भाई कितना बड़ा है? तो कह रहा है ये सबसे छोटा है, ये तो 1-1.5 साल की है, मैं हूँ और मेरा छोटा भाई है, वो स्कूल जाता है, मैं नहीं जाता क्योंकि मुझे दुकान लगानी। मैं कह रहा पापा कहाँ है?
कहता पापा तो खत्म हो गए और मदर का है, कहता मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती तो मैं दुकान लगा। मतलब एक वो ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पे कि मैं उसको पैसे देने के या उससे कुछ खरीद लेने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं था। मतलब मैं एज एन, अगर मैं एनजीओ भी होता तो मैं क्या करता, इस मैं सिचुएशन दे रहा हूँ आपको, इन सिचुएशन में एनजीओ क्या करेगा? एनजीओ क्योंकि एनजीओ उनका अडॉप्ट तो कर नहीं सकता, उनकी मदर है। How they will help? पर NGOs, मतलब उनकी स्टडी के लिए रात को इवनिंग क्लासेस भी लगाते हैं वो। मतलब उनको ये होता है कि जो बच्चा पढ़ना चाहता है तो जरूरी नहीं है कि वो दिन में काम कर रहा है, अगर उनके कोई पर्सनल प्रॉब्लम है या हम उस चीज़ को नहीं हटा सकते, लेकिन उनको हर तरह की फैसिलिटी दे रहे हैं उनके हिसाब से कि आप क्या करना चाहते हो। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो वो इवनिंग में भी उनको कोचिंग मिलती है, उनको स्कूल्स की तरफ से हर चीज़ होता है। लेकिन अगर सामने वाला करना चाहिए, अगर सामने वाला करना ही नहीं चाहेगा तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। हम उसको फोर्स कर सकते हैं, हम उसको 10 बार बोल सकते हैं कि बेटा आप करो आप करो, लेकिन जब तक वो अंदर से नहीं चाहेगा कि मैंने करना है तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर सामने वाला कहेगा कि हमने ये करना है फिर हम हर चीज़ करते हैं उसके लिए। तो ये सब चीज़ें करने में, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इस लेवल पर जाना, उन लोगों से बात करना, तो इसमें प्रॉब्लम्स भी बहुत आती होंगी, बहुत चैलेंजेस आते होंगे। तो अगर आप दर्शकों को ये चैलेंजेस बताना चाहें कि, क्योंकि लोग कहते हैं यार एनजीओ क्यों नहीं कुछ कर रहा है, एनजीओ क्यों नहीं कुछ कर रहा, तो एनजीओ के चैलेंजेस क्या है? एनजीओ मतलब ऐसे लोग कहते हैं, अब हमने अभी मैं आपको बात बताती हूँ। थोड़े टाइम पहले क्या हुआ, एक मतलब फैमिली जा रही थी पंजाब से कहीं पर, बस में जा रही थी, तो उसमें 4-5 साल का एक बच्चा था। तो उसको एकदम से पता नहीं उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, लेकिन वही है कि बस में जो लोग जा रहे थे उन्होंने देखा कि हाँ चलो देख लो ये कर लो, मतलब ज़्यादा उसका वो नहीं दिया। तो एनजीओ से मतलब कुछ लोग जा रहे थे उन्होंने देखा उसको, तो वो जो हमारे एनजीओ से काम करते थे तो उसको हॉस्पिटल में लेके, उसके दिल में छेद था। तो उसके जो फादर मदर थे वो आई थिंक किसी फैक्ट्री में काम वगैरह करते थे, उनके पास पैसे नहीं थे, कुछ नहीं था, तो उनको तो लगा कि हम अपने बच्चे को बचा ही नहीं सकते, उनका रो रो के बुरा हाल उस वक्त कि हम कुछ नहीं कर सकते। तो जो एनजीओ कुछ करना चाहते हैं किसी के लिए, तो मतलब उन्होंने आई थिंक उनका एक रात में ही सब कुछ अरेंज करके उसको ऑपरेट भी करवा दिया और वो बच्चा बिल्कुल ठीक है। अब अगर करना चाहे एनजीओ तो सब कुछ कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहे तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। चैलेंजेस अगर मैं बात करूं, मुश्किलें कौन कौन सी आती हैं एनजीओ को? मुश्किलें तो देखो कुछ भी काम करेंगे हम, अब किसी भी चीज़ को नया लेके आएंगे तो देखो मुश्किलों का तो सामना करना ही पड़ता है कि हमने कुछ भी नया लेके आना है तो उसके लिए पहले हर चीज़ की तैयारी करनी होती है। कई बार हम नहीं भी कर पाते हैं, लेकिन मुझे लगता है अगर हमारे दिल से हो, हमारी इच्छा हो कि हमने ये करना है तो हो जाता है, अरेंज तो कर ही लेते हैं कहीं ना कहीं से। सही बात है, मतलब एक इच्छा शक्ति बहुत बड़ी है। और अगर हमारी इच्छा हो ना कि हम कुछ करना चाहते हैं तो वो हर चीज़ हो जाती है, हर चीज़ हो जाती है। जब हम बात करते हैं वुमेन सेफ्टी की, तो आपके एनजीओ या जो मिशन चल रहे हैं ये उस डायरेक्शन में क्या काम कर रहे हैं? वुमेन सेफ्टी के लिए तो मुझे ऐसे लगता है कि इस टाइम वुमेन सेफ्टी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो मतलब डेली जो हम केसेस सुनने में आते हैं या जो हम देख लेते हैं, जो इतने सुसाइड हो रहे हैं, बच्चों तक का इतना बुरा हाल हो रहा है अब, मतलब इसमें मुझे लगता है एनजीओ कुछ भी नहीं कर पाता। जब ये केसेस सब सामने आते हैं ना तो सब कुछ हो चुका होता है, उसके बाद एनजीओ जितनी मर्जी हेल्प करने की कोशिश करे लेकिन वो नहीं कर पाते हैं। तो ये तो मुझे लगता है कि कानून ही कर सकता है, जो कर सकता है इस चीज़ में लेके। लेकिन अब तो कानून भी इतना स्ट्रिंजेंट हो गया है, इतना सख्त हो गया, उसके बाद भी चीज़ें हो जाती हैं। हाँ मतलब मैं एक हमेशा बात सोचता हूँ, शायद मैं गलत भी सकता हूँ, जो रेप हो जाते हैं या बलात्कार के केस आते हैं या वुमेन उसके केस आते हैं, अगर आप देखिए उसमें अगर आप उसको ब्रॉडली डिवाइड करें तो दो टाइप के लोग होते हैं। मैं स्पेशली मर्दों की बात करूँ, एक जो पढ़ा लिखा वर्ग है, हाईली एजुकेटेड लोग हैं, वो अपने पैसे पे एजुकेटेड मेल्स की बात करूँ, एक होते हैं जो अनएजुकेटेड लोग। पहले मैं एजुकेटेड की बात करता हूँ, एजुकेटेड मेल जो है वो रेप या इस टाइप की हरकत क्यों करेगा? वो दो चीज में कर सकता है, एक मे बी अल्कोहल या कुछ सॉर्ट ऑफ इंस्टिंक्ट उसको आया वो हो सकता है, या सेकंड के सकता है कि उसको लगता हो कि यार हाँ इस वुमेन से मुझे कुछ डायरेक्शंस मिल रहे हैं तो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि वो इतना पढ़ा लिखा तो होता है कि वो लॉ समझता है कि अगर ये मैं करूँगा तो मैं फंस जाऊँगा। वही मैं अगर एक अनपढ़ आदमी की बात करूँ तो उसके पास भी दो इंस्टिंक्ट यही है, लेकिन उसका एक तीसरा इंस्टिंक्ट ये है कि वो लॉ नहीं समझता, वो पढ़ा लिखा नहीं, उसको ये नहीं पता कि इसका हश्र क्या होगा। या एक तीसरा फैक्टर आता है फीमेल्स के ऊपर कि अगर एक पढ़ा लिखा आदमी हो चाहे एक अनपढ़ आदमी, अगर उसके सामने एक
हाईली एजुकेटेड नॉलेजेबल लेडी बैठी है तो वो हरकत कभी नहीं करेगा, उसको पता है कि वो उसकी सोच से ऊपर है। तो ये मेरा सोच है, आप इस डायरेक्शन में क्या सोचते हैं? मुझे लगता है कि कई बार जो हाई एजुकेटेड लोग होते हैं या फिर मतलब वो अपने पैसे से या लगा लो कि हमारे पास ये है, या फिर वो लेडीज़ को थोड़ा सा उनके दिमाग में ये सब डाल देते हैं कि ऐसे, मतलब मैंने अभी 2-3 केस ऐसे देखे कि वो एक बार ये सब कुछ कर लेते हैं, उनके बाद उनके अंदर शायद ये डर नहीं होता कि नहीं हम तो कर लेंगे, हमारे पास पैसा है, हम ये सब कुछ मैनेज कर लेंगे, लड़कियाँ क्या करेंगी, वो शोर मचाएंगी, क्या करेंगी, कुछ नहीं कर सकती। अभी मेरे पास एक केस आया था ऐसा भी, मैं पूछने वाला था कोई आपके कोई केस होगा? हाँ, हमारे पास एक केस आया था ऐसा, मतलब काफ़ी अच्छी फैमिली से थे वो, लेकिन उसका क्या हुआ, उसका एंड ये हुआ कि वो लड़की चुप हो गई क्योंकि उसको अपनी फैमिली का प्रेशर, या उसको ये लगा कि अगर मैं ऐसा कुछ भी बोलूँगी कुछ भी करूँगी तो मेरी फैमिली पे आएगा। और जो जेंट्स जो था, मतलब उसकी फैमिली उसको सपोर्ट करती है कि नहीं यार कि मतलब हमारी घर की बदनामी होगी, तो उसका विरोध नहीं करता कोई भी, उसका साथ देता है। अगर कोई आवाज़ भी उठाता है तो उस मतलब लड़के के लगा लो, तो मतलब इस केस में तो ये हुआ था कि उसकी फैमिली ने उसका साथ दिया। मतलब हम लोग देख रहे थे, ये चीज़ कर रहे थे कि एक फैमिली, मतलब जो हमारे बड़े हैं जो भी हैं, नारी की तो पहले, मतलब नारी की तो हर कोई वो करता है, पहले तो पूजी जाती थी, तो कम से कम उनकी इतनी रिस्पेक्ट तो करो। वो जेंट्स ही क्या है जो एक नारी की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, और अगर रिस्पेक्ट कर भी नहीं सकता तो उसको दे नहीं सकता, तो कम से कम उसको बदनाम मत करो। उस लड़की का मतलब उन्होंने वो किया, शायद वो लड़की डिप्रेशन में चली गई, अभी भी मैं उसको देखती हूँ। तो मतलब मुझे ऐसे केसेस देख के ये लगता है कि क्या क्या समाज है हमारा और किस साइड जा रहा है ये, और ये हमारे बच्चों को क्या सिखा रहा है। सीरियसली मैं आपको बताऊँ, मतलब लोग कहते हैं कि ना घर में लड़का होना चाहिए, कई लोग 3-3, 4-4 बार अटेम्प्ट करते हैं कि यार एक लड़का तो जरूर होना चाहिए घर में। ये मेरा पर्सनल फीडबैक है, मतलब मेरा बेटा है 15 साल का और मेरी बेटी है 3 साल की, मतलब 12 साल का गैप है दोनों में। और अब जब हमारे यहाँ बेटी है तो घर का माहौल डिफरेंट है, मतलब एक अलग से ना घर में एक चहल पहल रहती है, एक अलग सी खुशी का माहौल होता है। मैं शूट पे भी आता हूँ तो वो मेरे लिए 3 साल के होने के बावजूद भी वो मेरे लिए पर्स, मेरी बॉटल, मेरा टिफिन वो खुद लेके आएगी और मेरा बैग जमा देगी, मतलब एक वो फीलिंग ही अलग है जो लोग शायद जो कहते हैं कि बेटियां जो प्यार बेटियां दे देंगी वो तो कोई भी नहीं दे सकता, तो वो चीज शायद ना लोग जिनके पास जो कहते हैं ना लड़के चाहिए, वो शायद वो बेटियों का सुख ना कभी भोगने लायक ही नहीं है। मेरे खुद के 2 बेटे हैं और मैं हमेशा इस चीज के लिए बोलती कि भगवान मुझे एक बेटी दे, और मैं कई बार अपने हस्बैंड को बोलती भी हूँ कि हम अडॉप्ट कर ले, हमारे पास बेटी नहीं है। अडॉप्शन बेस्ट है, मतलब मैं बता रहा हूँ जब वी आर प्लानिंग की हमें सेकंड किड चाहिए, मेरी वाइफ का सबसे बड़ा कंसर्न ये था कि ऐसा ना हो कि दूसरा बेटा हो जाए, मुझे बेटी ही चाहिए तो बेटर है हम अडॉप्ट कर लेते हैं, हमारा प्लान ये था कि हम अडॉप्ट कर लेंगे। बट देन हमने प्रोसेस देखा तो प्रोसेस बहुत लंबा है, मतलब एडॉप्शन की प्रोसेस ही लगभग 3-4 साल लग जाता है बेबी मिलने में, और वो भी गारंटी नहीं कि आपको गर्ल ही मिलेगी, जो भी फर्स्ट कम फर्स्ट सब वाला होता है। तो एंड वी आर गेटिंग एज, तो मैंने कहा 4 साल वेट करना इट्स नॉट गुड, तो काफ़ी डिले हो जाएगा, तो बेटर वी शुड ट्राई इट, भगवान की दया हो गई आपके, आपको बेटी आ गई। सही बात है, और मतलब शी कीप्स हर हाउस ना वार्म, मतलब ऑलवेज चहल पहल रहती है घर में पूरी। मुझे लगता है जैसे मैं हूँ, मैं अपनी पूरी फैमिली में अपने मतलब फादर अकेली ही बेटी हूँ, मतलब अपनी पूरी फैमिली में अकेली हूँ। तो मतलब मुझे इतना प्यार मिला है सबसे, इतना प्यार मिला है क्योंकि वो अकेले होने की वजह से सब लोग कोई भी कुछ भी मांगना कुछ भी करना कहने से पहले ही पूरा करना, और सबने बोलना कि इसको इतना सर चढ़ा रखा है, इसको कोई कुछ कहता नहीं है, इसको कोई कुछ करता नहीं है, मतलब ऐसे। तो मेरे पापा हमेशा कहते थे कि कभी ना, मतलब मेरा बेटियां तो हमेशा नाम रोशन ही करती हैं, मैंने इसको सिर चढ़ाया हुआ है तो कोई बात नहीं कि ये कभी ना कभी तो मेरा नाम रोशन करेगी ही, बेटों से तो मुझे इतनी उम्मीद नहीं है कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते। मतलब मैं इकलौता लड़का हूँ और मेरी 3 सिस्टर्स हैं, तो मैं जानता हूँ घर में लड़कियों का माहौल क्या होता है, और वो बड़ा एक स्पेशल होता है। ऐसे कि मेरी बेटी के होने के कारण हम देखते हैं कि मॉल जाओ तो क्लिप्स, रबर बैंड, हेयर बैंड वो आने ही आने हैं, और वो ना बड़ा क्यूट लगता है जब वो घर में इतने सारे रबर बैंड्स और हेयर बैंड्स पड़े होते हैं, इट्स अ डिफरेंट फीलिंग, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम आपकी इस एनजीओ के ऊपर वापस आते हैं पर्सनल बात से।
तो जब जब भी आप किसी केस को लेके जाते हो तो ऑब्वियसली बात है हमारी सोसाइटी बहुत डाइवर्स है, जहाँ हम बात करते हैं बिल्कुल एक पुअर फैमिली से लेके हम बहुत रिच तक हैं। तो एनजीओस क्या पर्टिकुलर एक तबके के लिए है कि एनजीओ आपका ओवरऑल हर जगह है और हर जगह कोशिश करता है अपनी हेल्प करने की? हो सकता है कोई बहुत रिच हो बट वहाँ भी एक वुमेन एम्पावरमेंट की जरूरत हो सकती है, होता है ये चीज होती है। देखते हैं हम नहीं नहीं ये रियलिटी है, कई फैमिलीज इतनी रिच होती है, इतनी रिच होती हैं मतलब, लेकिन उनके घर की जो लेडीज है मतलब वो इतनी परेशान होती है अंदर से, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होती मतलब वो उन मुझे लगता है जो गरीब लोग होते हैं या फिर जो बोल सकते हैं या बाहर कुछ कर सकते हैं तो वो लोग तो फिर भी उनका एनजीओ वगैरह हेल्प कर सकते हैं और सामने आके हेल्प कर सकते हैं, लेकिन जो रिच फैमिलीज की लेडीज होती हैं उनकी कोई हेल्प नहीं कर पाता ऐसे, क्योंकि उनको अपनी फैमिली का इतना ज़्यादा होता है प्रेशर होता है उनको इतना ज़्यादा, और वो इतनी मतलब माइंड से मुझे लगता है इतनी अपसेट होती हैं, मतलब इतनी लेडीज मतलब मैं जिस सोसाइटी में रहती हूँ मैं इतनी लेडीज देखती हूँ, डेली देखती हूँ इतनी लेडीज, उनके हस्बैंड्स किसी और के साथ रह रहे हैं, कोई बाहर जाके शिफ्ट हो गया, वो अकेली रह रही हैं, बच्चों को संभाल रही हैं, मतलब सब कुछ होते हुए भी उनके पास कुछ नहीं होता। जब बच्चों के पास पेरेंट्स में से एक जना रह गया तो क्या वो अपने बच्चों को सिखा पाएंगे, क्या वो दे पाएंगे? तो मतलब इन चीजों में एनजीओ भी कुछ नहीं कर पाता, अगर हम कहीं ना कहीं उनकी हेल्प कर लेगा वही माइंडसेट वाले कि हाँ हम उनको बैठ के उनको समझा सकते हैं, ये कर सकते हैं। मुझे हमेशा लगता है कि एनजीओ को जब भी हम एक एनजीओ दिमाग में आता है ना तो लगता है गरीब झुग्गी झोपड़ी में कोई दो चार लोग काम कर रहे हैं, पर वो माइंडसेट गलत है क्योंकि एनजीओ की जरूरत केवल वहां नहीं है, लेकिन हाँ हर तरफ है। अभी जो हमारे एनजीओ है मुझे लगता है वो इन सब चीजों को छोड़ के जाते हैं, यही काम कर रहे हैं कि जो लेडीज डिप्रेशन में जा रही हैं या जिनके साथ ये सब कुछ हो रहा है, चाहे वो बहुत रिच फैमिली से हैं या फिर नॉर्मल फैमिली से हैं, मतलब उनके माइंडसेट हो कि वो तुम अगर जा भी रहे हैं तो उनको अब नहीं रोक सकते आप तो छोड़ दो उन चीजों को, लेकिन तुम अपनी लाइफ खराब मत करो इस चीज के लिए, तुम लोग आगे बढ़ो, तुम उनको कुछ करके दिखाओ कि आप मतलब अगर वो वापस भी आए तो उनको अपनी लाइफ में वापस आने मत दो। लेडीज क्या करती हैं, उनको ये लगता है कि नहीं साल दो साल बाद वापस आ गए तो नहीं आ जाओ आप, ये मतलब उनको बहुत खुशी से वापस लेके आती हैं, ये हमारा मतलब ये सोसाइटी है। सोसाइटी ऐसे और एनजीओ की भी कहीं इमेज मैं कहूँगा ऐसा नहीं कि बिल्कुल साफ सुथरी है, क्योंकि एक टाइम था जब एनजीओ जनरली लोग बनाते थे अपने ब्लैक मनी को वाइट करने तो कुछ पर टैक्स नहीं भरना पड़ता, तो उस टाइप में भी एनजीओ का बहुत नाम आया है, तो आपका क्या व्यू है इस पर? ये बात तो सही है, पहले ऐसा होता था पर जहाँ तक मुझे लगता है कि अब एनजीओ सही में काम कर रही हैं, पता नहीं एक दूसरे को देख के कर रहे हैं या एक एनजीओ कुछ करता है तो उसको लगता है कि हाँ हमें भी ऐसा करना चाहिए ये वो ऐसे। तो आप किस किस एनजीओ से जुड़े हुए? मैं हरियाणा में 4-5 एनजीओ से जुड़ी हुई हूँ, पंजाब में जुड़ी हुई हूँ, दिल्ली के 3-4 एनजीओ से जुड़ी हुई हूँ। नाम अगर बताना चाहें? नाम मैं प्रॉपर्ली बताना चाहूंगी। अच्छा चलिए कोई नहीं। एनजीओ को लेके बहुत सारे मिसकंसेप्शंस भी हैं लोगों के दिमाग में, तो इस पॉडकास्ट के जरिए क्या आप कुछ मिसकंसेप्शंस दूर करना चाहेंगे लोगों के, कि लोगों को पता रहे कि यार एनजीओ से हम क्या हेल्प ले सकते हैं या एनजीओ हमको कहाँ मिलेंगे, कहाँ ढूंढा जाए एनजीओ को? एनजीओ देखो हर जगह होते हैं, लेकिन वही बात है कि वो क्या काम कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं। कहीं एनजीओ में जाके वही जैसे मैंने बोला कि लेडीज पढ़ना चाहती हैं तो अगर वो जाएंगी या हमें कहेंगे कि वही अगर हमने जे मेंस का पेपर देना, हमने डॉक्टर बनना, हमने कुछ करना है, तो कोई एनजीओ कोई हेल्प नहीं करता। ये बहुत कम एनजीओ होते हैं जो इस चीज़ में या इस फील्ड में जाके उनकी हेल्प करते हैं, मतलब कई टीचर्स ऐसे होते हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो फ्री में इनको सिखाते हैं, मतलब आई थिंक मेरे नोन में है कि एलन चंडीगढ़ उनके 3-4 टीचर्स ऐसे हैं वो इवनिंग में क्लासेस लगाते हैं जो फ्री स्टडी देते हैं बच्चों को। वो उनका एम है कि चलो बच्चे कुछ बने कुछ करें, लेकिन अगर हम कहें कि किसी भी एनजीओ में जाके ये सब कुछ बोलेंगे तो वो ये हेल्प नहीं करते हैं कोई भी। तो शिक्षा को लेके ले लो आप या फिर लेडीज हेल्थ को लेके ले लो, कैंप्स लगते हैं हमारी तरफ से, इतने कैंप्स लगते हैं कि उनको चेकअप करवाया जाता है लेडीज का, दवाइयाँ दी जाती हैं। तो मतलब कई एनजीओ करते हैं कि उनकी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो हर चीज़ में उनके साथ देते हैं, कई एनजीओ करते हैं कि जस्ट चलो चेकअप कर लिया हमने दिखावे के लिए, टेस्ट कर लिए, आपने देखा होगा कि ब्लड डोनेशन का कैंप लगते हैं, कैंसर के कैंप लगते हैं, वो जस्ट टेस्ट करते हैं,
स्लिप बना देते हैं कि आपका पॉजिटिव आया नेगेटिव आया कि चलो अब आप अपना देखो कि आपने क्या करना है। कई एनजीओ होते हैं कि वो उनका एंड तक कि हाँ हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं, कौन से डॉक्टर्स को आपको दिखा सकते हैं, सब कुछ करते हैं। ये सब करने के लिए भी एनजीओ को भी पैसे चाहिए, पैसे चाहिए, बिना पैसे के तो कुछ नहीं हो सकता। तो क्या एनजीओ को ये प्रॉब्लम आती है फंड्स लाने में, मैनेज करने में, उसको कैसे करते हैं, वो कैसे मैनेज होता है एनजीओ में फंड्स? मतलब कई बार तो ऐसे डोनेशन भी बहुत आती है एनजीओ में, मतलब उसके हिसाब से हो जाते हैं। कई बार फंड्स नहीं होते, ऐसा नहीं है कि हर वक्त ही वहाँ पे फंड्स होते हैं या हम जो भी करने जाते हैं वो सब कुछ होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो जब फंड्स हाँ जब नहीं होंगे तो हम नहीं करते। आपको लगता है कि गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स लेने चाहिए, गवर्नमेंट को फंड करना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट नहीं करती है। गवर्नमेंट नहीं करती, रीजन तो नहीं है मुझे पता, पर गवर्नमेंट के कोई फंड्स नहीं आते मैंने जहाँ तक मुझे पता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। निकल में गवर्नमेंट्स को कुछ लेवल तक कुछ एनजीओस को जो रजिस्टर्ड एनजीओस हैं जिनकी बैलेंस शीट्स क्लियर है उनको तो करना चाहिए। तो अगर हम फिर बात वापस आते हैं वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, तो सोशल मीडिया आज की डेट में सबसे बड़ा हथियार भी है और सबसे बड़ा मीडिया भी है। तो आप सोशल मीडिया को कैसे देखते हो, कैसे सोशल मीडिया को हम यूज कर सकते हैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए? क्योंकि लोग पोस्ट तो बहुत बड़ी करते हैं, सुबह शाम तक व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देंगे, बट उसका कितना वजन है और उससे हम कैसे यूज कर सकते हैं? सोशल मीडिया हर चीज में यूज होता है, हर चीज में यूज होता है, लेकिन वही चीज है कि मतलब लोग जस्ट मुझे लगता है मैसेज पढ़ते हैं छोड़ देते हैं। आजकल कितना आता है कि जैसे किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है, किसी को कोई बीमारी होती है कि बच्चे को ही लगा लो कि हाँ इसको, मैंने एनजीओस की तरफ से भी देखा है कि व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देते हैं, फेसबुक पे मैसेज डाल देते हैं कि हाँ इस बच्चे को ये प्रॉब्लम होगी आप इसको डोनेट करो, उसके नीचे वो दे देते हैं नंबर दे देते हैं कि आप इस पे डालो। लोग पढ़ते हैं छोड़ देते हैं, कोई 10 रुपीज डाल देता है, कोई 20 रुपीज डाल देता है, ऐसे आते तो उसमें ही फेक होने लगा। हाँ ये लोग, मैं देखता हूँ कि एक ही फोटो कई बार आ जाती है, मतलब वो उसको हाँ एक बार उसके नाम पे उन्होंने वो बना लिया और लोगों को लगता है कि ये सब फेक है, कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं करते। तो मुझे नहीं लगता कि सोशल मीडिया बहुत ज्यादा हेल्प हो रही है, पर कई बार ऐसे होते हैं कि किस चीज को इतना ज्यादा ऊंचा उठा देते हैं वो। और कई बार ऐसे लगता है कि अभी आपने देखा होगा दिल्ली की बड़ा पाव गर्ल का कितना हाँ। ज्यादा आ रहा है ना, वो बहुत सिंपल सी गर्ल थी एक जो रेडी लगाती थी, और अब देखो वो क्या बन गई है, उसने अपनी शॉप भी खोली है, उसके सॉन्ग्स भी आ गए हैं सब का, उसके पॉडकास्ट भी आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है। तो वही है कि सोशल मीडिया ही है, उसने उसको इतना बनाया। बस वही मेरा पॉइंट है कि सोशल मीडिया में चलो आप डोनेशंस भले ना आए, पर क्या सोशल मीडिया को हम यूज करके वुमेन एम्पावरमेंट के मैसेजेस और लोगों की सोच बदलने के लिए काम कर सकते हैं? हाँ जरूर कर सकते हैं। कैसे? वही डिपेंड करता है कि वही चीज है कि अगर हम कोई मैसेज डाल रहे हैं, अगर लेडीज को ही लगे, अगर सारी लेडीज नारी सब इकट्ठी होके ये सब करे तो हम इसको बहुत ऊंचाई तक लेके जा सकते हैं। मैं हमेशा सोचता हूँ लेडीज ने मिलकर टपरवेयर चालू किया था, अभी भी चलता है, टपरवेयर लेडीज की ही चेन है शायद, वो में कोई जेंट्स नहीं जुड़ सकता। तो जब लेडीज मिलके, वो भी हाउसवाइफ्स मिलके एक टपरवेयर जैसी कंपनी को चला सकते हैं। सही बात है, वो टपरवेयर सिर्फ लेडीज चला रही है। अगर हर एक वो लेडी जो केवल टपरवेयर से जुड़ी हुई है तो वो अगर सोशल मीडिया सोशल मीडिया एम्पावरमेंट के मैसेजेस पोस्ट करे, हां तो देखिए कि हमारा कितना बड़ा, देखिए हां केवल लाखों में लेडीज होंगे। अगर वो कुछ नहीं, रोज सुबह उठ के बस जो जनरली लोगों की आदत है भगवान का मैसेज भेज देते हैं, उसकी जगह वो एक रोज सुबह एक वुमेन एम्पावरमेंट की एक फोटो ही डाल देना, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, सोच बदलेगी। वही है कि एक लेडी से दूसरी की, दूसरी से तीसरे तक जाएगी तो कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो चलो चेंजेस आएंगे, लेकिन लेडीज मुझे लगता है कि बहुत कम है कि सोशल मीडिया पे ये सब चीजें आती हैं, वहाँ पे सॉन्ग्स आ गए, भगवान के भजन आ गए लगा लो आप, ये सब चीजें ज्यादा आती हैं। नारी मतलब इसके ऊपर शक्ति मुझे लगता है कि बहुत कम देखने को मिलता है ये सब चीजें। तो सही कह रहे हो। तो इसमें जो हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज वगैरह हैं उनका भी बहुत बड़ा रोल है, तो उनको आप कैसे देखते हो? क्या कुछ पॉलिसीज में रिफॉर्मेंट्स की जरूरत है या जो है वो सब ठीक है, मैं खुद ही करना है सब कुछ? मुझे तो लगता है कि हम खुद ही जो कुछ कर सकते हैं वो सही है। मुझे तो यही लगता है। गवर्नमेंट के ये लगा लो कि मेरा ब्रदर खुद एक मंत्री है, मतलब मैंने उनको देखा है, उनको काम करते हुए देखा है, सब कुछ देखा है, तो मुझे लगता है कि जहाँ इन सब चीजों की हेल्प करनी होती है तो वो भी नहीं कर सकते कुछ, जो चीज हम कर सकते हैं वो हम ही कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर होता है कि हमने नहीं इस चीज का ऐसे करना है, तो करना है तो करना है। करना तो करना है। तो आप
अपना जो आपका नॉर्मल सोशल लाइफ है उसको छोड़ के आप 10 साल से आप कह रहे हो कि आप वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हो, तो इसके पीछे उद्देश्य क्या, मतलब मोटिव क्या आपका, या आपका मैं कहूँगा कि एक होता है ना आपका आदर्श, कोई ना कोई तो हर किसी का आदर्श होता है, जैसे कि मैं ये पॉडकास्ट करता हूँ तो मेरे बहुत सारे आदर्श हैं, इनको मैंने पॉडकास्ट करते हुए देखा है, उनसे सीखा है कि यार पॉडकास्ट कैसे करना है, या मैं बुक्स लिखता हूँ तो मुझे वो कई राइटर्स हैं मेरे आदर्श हैं, उनको पढ़ के मैं समझ रहा हूँ कि यार बुक्स लिखना चाहिए मुझे, तो हर मतलब छोटी छोटी एक्टिविटी भी हो हर कोई किसी का कहीं ना कहीं आदर्श होता है। अगर हम घर में झाड़ू भी लगा रहे हैं तो मुझे पता है मेरी मम्मी ऐसे झाड़ू लगाती थी इसलिए मैं ऐसे लगाता हूँ। जब मैं बुक्स पढ़ती होती थी तो उधम सिंह का नाम मैं बहुत पढ़ती थी, जलियांवाला बाग के लिए उन्होंने मतलब इतने टाइम के बाद जाके जैसे उनको मतलब उनको मेरे आदर्श रहे हैं वो, कि अगर वो ये सब चीज कर सकते हैं तो हम जो केसेस देखते हैं या जो देखते हैं कि हाँ मतलब समाज में ये सब कुछ चल रहा है, देख के फिर कई बार रोना भी आता है, कई बार ऐसे लगता है कि यार इसके साथ ही गलत क्यों हो रहा है, कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है, कई बार मेरे साथ भी ऐसा होता है कि किसी को मैं बहुत ज़्यादा किसी का कर रही हूँ या मतलब दिल से कर रही हूँ किसी का, तो बाद में वो चीज़ हर्ट होती है, उसके बाद हम बहुत परेशान हो जाते हैं, फिर होता है कि ये छोड़ के हम ये करें वैसे करें, तो मतलब मुझे ऐसे लगता है कि अगर हम किसी की मतलब जब मैं उनको देखती थी उनके बारे में पढ़ती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि यार मुझे अगर मैं कुछ कर सकती हूँ किसी के लिए तो मैं पक्का करूँगी, तो मुझे ऐसे लगा था कि मैं तो इस चीज़ से जुड़ूंगी तो मुझे लगता है कि मुझे वही होता है ना कि सेटिस्फेक्शन अंदर से किस चीज़ को लेके मिलती है, तो मुझे लगता है इसको करने को तो बहुत कुछ है कि हाँ हम कुछ भी कर सकते हैं। मैंने एक पॉडकास्ट किया था हमारी कम्युनिटी के ऑथर हैं अंकुर, उनकी एक बुक है असैसिनेशन ऑफ पेशवा, तो जो महाराष्ट्र में पेशवा थे तो एक पेशवा का असैसिनेशन हुआ था, तो जिनने असैसिनेशन किया था मतलब उसके जो चाचा थे मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, काफ़ी टाइम अगर बुक पढ़े हुए बाजीराव पेशवा शायद, हाँ, हाँ, बाजीराव या बाजीराव तो नहीं कुछ और कोई पेशवा ही नहीं थे जो पेशवा का पेशवा। तो वो मतलब वो ही कैन नॉट बिकम अ पेशवा, पेशवा के भाई थे वो, बट ही वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैन, बहुत स्ट्रॉन्ग मैन, तो जो आपका इंदौर का है ना कौन सी रानी है, रानी दुर्गावती तो जबलपुर की है, इंदौर की जो रानी थी एग्जैक्ट हिस्ट्री का नाम याद नहीं है अभी, तो उनके पति का देहांत हो गया था, तो ये जो पेशवा है ये वहाँ पर इंदौर गए, इंदौर के बाहर रुक गए क्योंकि वो अपने आप को राजा मतलब वो कहती थी कि मतलब मैं यहाँ पर रूल करूँ, तो उन्हें खबर उठाई थी कि अगर आप रूल करोगी तो हम वहाँ पर हमला करते, क्योंकि आप वो कुछ था ऐसा कि पेशवास के अंदर होते थे सारे ऐसा कुछ था, तो वो बाहर जाके रुक गए इंदौर के, और मैं खबर भिजवाई कि ऐसी ऐसी बात है अगर आप अपने आप को रानी डिक्लेयर करोगे तो हम फिर आप पे अटैक करेंगे, तो उन्होंने कहा वापस मैसेंजर से भिजवाया कि भाई ऐसा है ठीक है आप हम पे अटैक कर लो, आप 3 दिन के बाद हम पे अटैक कर लो, ठीक है वो 3 दिन तक वहाँ इंतजार करें। उन 3 दिनों में उन्होंने 1000-2000 विधवा औरतों की सेना बनाई, ठीक है, और उसके बाद उन्होंने फिर से मैसेज भेजा कि अब मेरी 1000-2000 या 10000 विधवाओं की सेना तैयार होगी, आपसे लड़ने के लिए तैयार है, अगर आप पेशवा इतने सशक्त हैं कि आप 2000 या 1000 विधवाओं से लड़ना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, आइए हम आपसे युद्ध करने तैयार। ये बात जब उनको मैसेज पहुंचा तो ही रियलाइज किया बहुत बड़ी गलती करने वाला हूं मैं अगर वहां जाके युद्ध करूंगा विधवाओं के साथ, तो उन्होंने तुरंत मैसेज भेजा कि नहीं नहीं हम आपसे युद्ध करने नहीं आए हैं, हम तो आपका राज अभिषेक में शामिल होने के लिए आए हैं, तो दिस इज द मैसेज और ये पावर है वुमेन का जो हर बार लड़के नहीं काम आता, एक सोच से अगर सोच और ये हम हर घर में देखते हैं वाइफ हस्बैंड को अच्छे से कंट्रोल कर लेती है एक सोच से ही कर लेती है तो अगर मैं और थोड़े कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूं मतलब कि फिर भी अगर जो फीमेल्स हैं उनकी एक तो हम सेफ्टी की बात करते हैं, एक कॉमन वर्ड है वुमेन सेफ्टी वुमेन एम्पावरमेंट हर कोई बोल देता है, हम भी पिछले आधा एक घंटे से बोल ही रहे हैं, पर इसके अलावा क्योंकि आप इतने लोगों से डील कर रही हैं इतनी फीमेल से डील कर रही हैं, व्हाट आर मोर इश्यूज और कौन कौन से इश्यूज हैं जो फीमेल के साथ हो रहे हैं और उन पर भी ध्यान देना जरूरी है? एक्चुअली एक तो मुझे लगता है कि जो लेडीज के लिए जो जैसे हमने जॉब के लिए भी बहुत ज़्यादा लेडीज़ का मैंने देखा है
कि कहीं ना कहीं जो से सिफारिश होती है कुछ लगा लो, तो लेडीज पीछे रह जाती हैं उसमें कहीं ना कहीं। हालांकि अभी तो गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा पॉलिसीज बना दी हैं कि लेडीज को बहुत आगे करती हैं, सब कुछ है, पहले होता था ऐसा, लेकिन फिर भी मैंने देखा कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती हैं। मैंने केसेस भी देखे हैं अभी, मतलब हाल ही में, कि हाँ उन पे प्रॉब्लम आती है। जहाँ हम बात करते हैं गवर्नमेंट इतना सपोर्ट कर रही है वुमेन को, वहीं कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें भी सुनने में आती हैं कि वुमेन उन पॉलिसीज का, रूल्स का गलत यूज भी कर लेती है। जैसे कि अभी स्वाति मालीवाल जी का ही केस देखो, तो आम आदमी पार्टी क्या यही कह रही है कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं हुआ है, तो जबरदस्ती हमको फंसाने के लिए। या कॉमनली भी कई लोग, कई बार ऐसे केसेस सामने आते हैं जहाँ की हुआ कुछ नहीं, पर क्योंकि वो फर्स्ट रिपोर्ट फीमेल ने करी तो उस पर एक्शन तुरंत हो जाता है। तो इस टाइप का केस कभी आपके सामने आया है? हाँ आते हैं ऐसे भी, दो तीन केस आए हैं। एनजीओ जो है हमारे, मतलब जैसे कि मैं चाहता हूँ कि यार मैं ना कुछ एनजीओ को डोनेट करूँ या एनजीओ के साथ जुड़ूँ, तो एक कॉमन मैन को ना ये अभी भी इतना आइडिया नहीं है कि कैसे एनजीओ से जुड़ा जाता है, क्योंकि आप इतने सारे एनजीओ से जुड़ी हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है, कैसे ढूंढा कहाँ जाए एनजीओ को, कैसे इनसे जुड़ सकते हैं? एक्चुअली एनजीओ तो हर जगह ही हैं, लेकिन मेनली क्लब्स, जैसे अभी ज़्यादातर क्लब्स का बहुत ज़्यादा हो रहा है कि लोग क्लब्स के साथ जुड़ रहे हैं, उससे फिर वो कैंप्स लगाते हैं, मतलब ये भी काम तो क्लब्स भी डोनेशन का यही सब चीज़ें करते हैं। तो इसके साथ एनजीओ मिलके तो लोगों को पता चलता है कि ये एनजीओ है, ये काम कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है। तो क्लब प्लस एनजीओ मुझे लगता है कि दोनों मिलके काम कर रहे हैं, ह्यूमन एम्प्लॉयमेंट पे लगा लो या जो भी आप लगा लो, सब चीज़ों पे। तो एनजीओ तो मिल ही जाते हैं मुझे लगता है, कि अगर किसी ने करनी है ऐसा तो कुछ नहीं है, ढूंढने मिल जाएंगे मुझे तो। मतलब गूगल गूगल करेंगे तो एनजीओ मिल जाएंगे ऐसा भी। फिर भी आप क्योंकि आप लोग इतना काम कर रहे हो, आप आज से 5 साल बाद वुमेन सेफ्टी और एम्पावरमेंट को किस जगह देखते हो? आपको क्या लगता है कि ऐसे चलता रहेगा, एनजीओ जैसी वुमेन्स की हेल्प करते रहेंगे, या एक ऐसा टाइम आएगा जब एनजीओ को लगेगा कि अब काम नहीं हमारे पास? मुझे ऐसे लगता है कि वही, कि ये तो नारी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर सारी नारी इकट्ठी होके, सारी नारी इकट्ठी होके मतलब इस टॉपिक पे काम करें, एक के साथ एक जुड़े, तो मुझे लगता है कि हम ये 2 साल में ही खत्म कर सकते हैं, 5 साल की भी जरूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चियां हैं, मतलब हम, मैं सोचता मैं गलत भी हूँ, मतलब जो महिलाएं या फीमेल्स हैं उनकी हेल्प करने की जरूरत है, जो जहाँ फंस चुका है या किसी प्रॉब्लम में है या डिप्रेशन में है या फैमिली में कोई इशू रहा, उनकी हेल्प करने की ज़रूरत है। और एम्पावरमेंट का मैसेज या उनको सशक्तिकरण करना जो हमको है, उनको सशक्तिकरण करने की ज़रूरत नहीं है, वो ज़रूरत है उन बच्चियों की को जो जो अब 2 साल 3 साल की हैं, जो स्कूल जाना चालू कर रही हैं। अगर हम उस रूट को पे काम करें तो शायद आने वाले 10 साल में ये चीज़ काफ़ी कम हो सकती है, मेरा ऐसा सोचना है। हाँ, नहीं ये सही है। तो इस दर्शन में आप लोग कुछ सोचते हो, मतलब एज ए मिशन की कुछ करना है, कैसे करते हो कुछ? हाँ, अब तो एक्चुअली स्कूल्स में जाके अब एनजीओस या जो आप क्लब लगा लो, ये सब ये काम कर रहे हैं कि स्कूल्स में जाके मेनली गर्ल्स को ये सब चीज़ें सिखाते हैं, उनको सब बताते हैं कि नहीं अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो आपने ये करना है, ये करना है। बहुत कॉमनली चलता है अब ये सब चीज़ें, ताकि बच्चों को भी समझ आए कि हमारा क्या गलत है, क्या सही है, हमें क्या करना है अगर हमारे साथ कुछ ऐसा होता है। तो नॉर्मली आई थिंक मंथली में, मतलब मंथ में एक बार ये सब चीज़ें चलती हैं स्कूल्स में, कभी किसी स्कूल में जाके, कभी कैसे बच्चों को ये सब बताना कि हाँ तुमने क्या करना है। स्कूल्स भी काफी करते हैं, कि हाँ हमारे साथ सेक्स एजुकेशन के बारे में सारा कुछ चलता है स्कूल में, अच्छा भी है, बहुत जरूरी है। बट बात फिर वही आती है कि गवर्नमेंट स्कूल में ज्यादा होता है ये, किस लेवल तक हो रहा है पता नहीं, क्या गाँव के लेवल तक भी हो रहा है या छोटे स्मॉल टाउन्स के स्कूल में भी हो रहा है ये चीज, एक आई डोंट नो, मतलब गवर्नमेंट स्कूल्स में ज्यादा हो रहा है। हाँ, अगर आप बता रहे हो तो बिल्कुल सही बात। हाँ। क्योंकि प्राइवेट स्कूल में तो जाने, प्राइवेट स्कूल्स में तो हाँ एक मॉरल साइंस का एक पीरियड होता है जहाँ पे ये चीजें सिखाई जाती हैं, मॉरल साइंस होता था, तो मॉरल साइंस की क्लासेस में इस टाइप की क्लासेस होती थी, यहाँ पे समझाया जाता था इवन सेक्स एजुकेशन के बारे में। मैं कोविड में पढ़ा हूँ, तो हमारा तो मतलब हर वीक एक पीरियड होता था जहाँ पे नन सिस्टर्स, क्योंकि मैं कॉन्वेंट का पढ़ा हूँ, वहाँ पे दे यूज्ड टू टेल अस एवरीथिंग अबाउट कि कैसे, नहीं अभी भी सिखाया जाता है ये, तो बच्चों को सिखाया ही जाता है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है वो। हाँ, वो बेस अगर रूट को ये क्लियर कर देंगे ना, देन इट कैन एक्चुअली इम्पैक्ट, सबसे बड़ा चीज वही है। जब मैं आपके बारे में रिसर्च कर रहा था,
तो मैंने कुछ लोगों से बात भी की, तो मुझे एक चीज़ मालूम पड़ी कि आपको गोल्डन हार्ट कहा जाता है इस समाज सेवा में, एनजीओ के वर्ल्ड में। तो ये बड़ा मतलब क्यों कहा जाता है ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि गोल्डन हार्ट क्या है। एक्चुअली मुझे लगता है कि जब मेरे पास कोई आता है या किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं ये नहीं देखती कि मतलब मैं कुछ भी नहीं देखती उस वक्त। मुझे लगता है कि मैंने उनकी हेल्प करनी है, कैसे भी कर सकती हूँ मैंने वैसे करनी है। इवन मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही हो मैं उस चीज़ को भी छोड़ देती हूँ। मैं अपने बच्चों का, हस्बैंड का, अगर एक टाइम होता है कि नहीं हमने उनको ही देना है, लेकिन जब कोई प्रॉब्लम आ रही होती है तो मैं सबको छोड़ के मैं उनकी हेल्प करती हूँ। तो कई लोग जब मैं, ये बात सही है वैसे, जब भी मैं ऐसे कुछ करती हूँ जब वो लोगों को मतलब उनके काम हो जाते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है, तो वो मुझे प्रेज भी करते हैं और कहते हैं कि हाँ आप मतलब गोल्डन हार्ट वर्ड किसने दिया है, आपके हस्बैंड ने दिया है? नहीं नहीं, हस्बैंड ने नहीं दिया, उन लोगों ने दिया जिनकी मैं हेल्प करती हूँ। लेकिन ये बात है कि हस्बैंड के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। कि मन लगाए कि जब तक हस्बैंड, अगर वो मुझे जाने ही नहीं देंगे तो मैं क्या कर सकती हूँ। तो मतलब एम्पावरमेंट खत्म हो जाएगा सही में। तो आप इस पॉडकास्ट के माध्यम से, इस जरिए से आप ऑडियंस को क्या बोलना चाहती हैं वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, अगर आप दो लाइन कुछ बोलना चाहें, कोई मैसेज देना चाहें? मुझे लगता है कि हर नारी को मतलब दबना नहीं चाहिए किसी जेंट्स के आगे या किसी भी पुरुष के आगे जो उसके साथ कुछ गलत करता है। तो मतलब वही फैमिली प्रॉब्लम्स को, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी, मैं जो जितने भी केसेस अभी तक देख रही हूँ तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर काम करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो हर लेडीज़ को ये चाहिए कि मेरी एक पहचान हो मेरी एक, और मुझे लगता है हर लेडीज़ को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। उससे किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए कि मैं अपने हस्बैंड के ऊपर हूँ या अपने बच्चों के ऊपर हूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकती। नारी सब कुछ कर सकती है, वो जो चाहे वो कर सकती है, तो उनको करना चाहिए। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है ये सब चीज़। और इसके चाहे एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे नारी चाहे जो कुछ करना भी है, मतलब अपने खुद को खुद की ये सोच बनानी चाहिए कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कर सकती, तो मतलब ज्यादातर लेडीज की यही थॉट होती है कि मैं ये कर ही नहीं सकती हूँ, इसलिए वो पीछे रह जाती है और वो हाँ वो दब जाती है। तो उनको नहीं, ये चीज नहीं करनी चाहिए। फीमेल्स का प्रोग्रेस करने का एक चीज मुझे भी लगता है कि फैमिली कितना सपोर्ट करती है ना। अगर बच्चे, उनके हस्बैंड या उनके मदर फादर, या अगर वो ही ये चीज उनको करने नहीं देंगे, उनको घर से बाहर ही नहीं जाने देंगे, तो ये सब चीजें कैसे हो सकती है? चीजें पॉसिबल ही नहीं है। पर लेकिन वो तो कॉन्ट्ररी आंसर हो गया, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर जो फीमेल ये कह रही है कि मेरे हस्बैंड बाहर नहीं जाने देंगे इसलिए मैं एनजीओ नहीं काम कर सकती, वो तो गलत हो गया। हाँ। तो खुद ही एम्पावर्ड नहीं है, लोगों क्या करेंगे। तो पहले तो खुद को एम्पावर होने की जरूरत है। और वुमेन को आज देखो, आज वुमेन चांद तक पहुंच चुकी है, चाहे वो हमारी सुनीता हो, और चांद तक पहुंच चुकी है वो सब। तो मतलब आज तो हर चीज पॉसिबल है, सब कुछ कर सकती है, सब कुछ कर सकती है वो। बिल्कुल ट्रू। हमारे जो अभी आप देखिए तेजस जो हमारा विमान है वो भी उड़ा रही है, तो हर जगह वुमेन इज एवरीवेयर। तो प्रीति जी बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, इतने सारे सवाल आपने, इतने सारे जवाब दिए मुझे इसके। और सीरियसली मैं मतलब मैं जो आपसे बोल रहा हूँ, मैं दिल से बोल रहा हूँ, मतलब मैं हमें सोचता हूँ कि उस रूट को एम्पावर करने की जरूरत है। अगर वो रूट एम्पावर हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली अपनी सही हो जाएगा, पूरी फीमेल कम्युनिटी सही हो जाएगी। बहुत जरूरी है, उसमें सबसे बड़ा काम एजुकेशन का है, जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जितना हम एजुकेट कर सकते हैं, चाहे पॉडकास्ट के जरिए, चाहे स्मॉल स्मॉल रील्स का फैशन है, तो अगर हम, मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग इस चीज में काम करते, छोटी रील्स बना के डाला करिए। आप फीमेल्स को बोलिए कि भाई रील्स बना के डाला। एक्चुअली इस पॉडकास्ट का मतलब ही यही था कि गुरुजी मुझे बोल रहे थे जब ये करना, मैं तो मना ही कर रही थी कि मैंने नहीं करना, क्योंकि मैंने ये कभी किया ही नहीं है, तो मुझे लिए मेरे लिए तो ये अजीब ही था। तो मतलब तो उन्होंने कहा कि नहीं, कहीं ना कहीं तो ये रील्स बन के या कुछ बन के लोगों तक जाएंगी, तो वो कुछ तो कुछ समझेंगे इस चीज को। हर फीमेल को रील्स बनानी चाहिए। अरे क्या करना है, मोबाइल हाथ में पकड़ना है, कैमरा, और बताना है कि यार तुम्हें क्या करना है, कहाँ एक औरत कहाँ रुक रही है, कहाँ उसकी सशक्तिकरण रुक रहा है, उसके बारे में एक एक वीडियो। अगर सारी फीमेल मिलकर एक एक वीडियो भी बना देंगे ना, तो मैं बता रहा हूँ गूगल और इंस्टाग्राम पे लोगों को उसके अलावा कोई रील्स ही नहीं देखेंगे। सही बात। बहुत जरूरत ही, मतलब सबसे ये कहूँगा भाई, एक रील हर किसी को बनानी चाहिए वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर। लोगों को ये बताओ कि यार वुमेन एम्पावरमेंट क्यों जरूरी है। हमारा देश काली का, दुर्गा का, हम हमेशा से नारी प्रेरित देश है,
देश क्या पूरी दुनिया ही नारी पे थे, बिना नारी के कुछ नहीं चलता। तो एटलीस्ट एक मैसेज भगवान का नाम भी से पहले भी नारी का नाम लिया जाए, देखा जाए तो राम जी का नाम लेते हैं तो हम सीता का नाम पहले लेते हैं, सीता राम लिखते हैं, कृष्ण जी का नाम लेते हैं तो राधा जी के बिना तो राधा कृष्ण लेते हैं, तो हर जगह भगवान का नाम भी बोलते हैं, नारी का नाम पहले आता है। तो बहुत जरूरी है, मैं भी कह रहा हूँ हर किसी को ऐसी रील्स बनानी चाहिए, ऐसे मैसेजेस देने चाहिए ताकि छोटे छोटे मैसेज कई लोगों के दिमाग में बात बैठ जाए कि चीज कितनी इम्पोर्टेंट है और सोसाइटी को कितना बड़ा शेप देती है। तो थैंक यू वेरी मच आप इस शो पे आए, हमें एनलाइटन किया इतना अच्छा। और व्यूअर्स आपको अगर पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज आप जिन फीमेल्स को प्यार करते हैं, आपकी मदर हो, आपकी सिस्टर हो, आपकी पार्टनर हो, उनको ये वीडियो फॉरवर्ड करें, लेट देम नो अबाउट द वुमेन एम्पावरमेंट, क्या क्या सोसाइटी में हो रहा है और उससे कैसे और फीमेल्स को एम्पावर कर सकते हैं। डू कमेंट, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। प्रीति जी का डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप उनके एनजीओ को सपोर्ट कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे पॉडकास्ट बुक्स एंड थ्योरीज में। थैंक यू प्रीति जी फॉर बीइंग ऑन द शो।